हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे पूड़ी के साथ खाई जाने वाले हलवा स्टाइल आलू की सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, एक बार बनाकर आप ज़रूर ट्राई करें। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 चम्मच धनिया पाउडर। अब मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ। थोड़ी देर के लिए हम मसालों को पानी में भीगने देंगे। तब तक हम तड़का तैयार कर लेते हैं। हम एक पैन में 3 चम्मच तेल ऐड करेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे, साथ ही 1 चुटकी हींग ऐड करेंगे। अब मैं इसके अंदर 1 हरी मिर्च चॉप करके डाल रही हूँ। अब हम इसके अंदर जो मसाले का पेस्ट बनाया था उसे ऐड कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर सॉटे करेंगे। अब हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। अब हम इसके अंदर 1 बड़ा टमाटर चॉप करके डाल देंगे। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम टमाटर को ढककर लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। बीच बीच में हम सब्जी को चलाते रहेंगे जिससे मसाला जले नहीं। जब तक टमाटर पक रहे हैं तब तक हम आलू मैश कर लेते हैं। मैंने 2 बड़े साइज के आलू लिए हैं जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। अब मैं इनको मैश कर लेती हूँ। और अब मैं इसके अंदर 2 ग्लास पानी ऐड करूंगी। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच सॉल्ट ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3-4 मिनट हो गए हैं, देखिए टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें आलू का मिक्सचर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे, इससे सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब पानी में उबाल आ जाएगा तब इसे कवर करके 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर खदकने देंगे। देखिए आलू की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। मैंने बीच बीच में सब्जी को चला दिया था। अब हम इसे हरे धनिया के साथ गार्निश करेंगे। देखिए सब्जी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी और हलवाई जैसी आलू की सब्जी बनकर तैयार है। आइए इसे सर्व कर लेते हैं। सच में सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। पूड़ी के साथ खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब